हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा, ये जो मेरा आज का वीडियो है ना, ये है मांडवी एक्सप्रेस का एपिसोड 2। अब आप बोलोगे मोहित भाई एपिसोड 1 कब आया, तो हाँ जी आ गया है, एक बार चेकआउट कर लो चैनल में जाके। उसमें मैंने ना स्पेशली क्या दिखाया है, जो अभी कोंकण रूट है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया है बारिश के वजह से। तो इसके पहले वाले पार्ट में ना मैंने वो सब कुछ दिखाया है, लाइक ट्रेन का टाइमिंग, खतरनाक वाला कोंकण में मानसून ट्रेन जर्नी, रूट्स तो मैंने काफी कमाल दिखाया, ट्रेन का इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाया, साफ सफाई वगैरह। इवन मैंने ब्रेकफास्ट में ना उनका कटलेट, उपमा और ब्रेड ऑमलेट, फ्रूट्स चाट, सूप, चाय, कॉफी, बहुत कुछ मैंने ऑर्डर किया था। तो ये सब कुछ मैंने एपिसोड 1 में दिखाए थे, लेकिन एपिसोड 2 में मैं उससे भी काफी कुछ दिखाने वाला हूँ। नजारे भी एक तो दुगने अच्छे होने वाले हैं और मांडवी एक्सप्रेस का और भी काफी डिलीशियस खाना सब दिखाने वाला हूँ। हाँ भाई, ये एक ऐसा ट्रेन है ना, इसमें मिलता है बहुत ही डिलीशियस खाना। आप इससे काफी लोग पूछते हो कि मोहित भाई आपका फेवरेट ट्रेन जर्नी कौन सा है, कौन सा ट्रेन रूट आपको पसंद है। तो देखो भाई, ट्रेन रूट तो बहुत सारे काफी कमाल के हैं, लेकिन ये जो कोंकण रूट है ना, और ऊपर से अगर मांडवी एक्सप्रेस जैसा ट्रेन हो तो भाई क्या ही कहने। एक तो बाहर के नजारे इतने अच्छे हैं, ट्रेन में साफ सफाई बहुत अच्छा, खाना पीना बहुत अच्छा। हाँ, खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई जिस क्वालिटी का आपको खाना मिलता है ना, समझो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, उस हिसाब से मेरे को वर्थ लगा। लेकिन फिर भी आप एक बार एक्सपीरियंस लेके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एपिसोड 2 पूरा देख लो, इसमें भी मैं आप लोगों को काफी कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में कितना हॉरिबल इंसिडेंट एक हुआ। कोलकाता में हर जगह उसके लिए रैली भी निकाला जा रहा है। अभी जो भी वहाँ का फोटोज और वो जो रिपोर्ट होता है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, वो सब देख कर ही इतना मन दहल जा रहा है। सोचो उनके घर वालों पे क्या बीत रहा होगा। सबसे बड़ा बात तो अभी रिसेंटली हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए हैं, और आज के डेट में भी देखो तो लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी देखो ये तो इतना बड़ा न्यूज निकल कर आ गया, बहुत सारा ऐसा चीज है जो न्यूज हमारे सामने भी नहीं आ पाता। मैं तो अपने साइड से यही बोलूंगा कि भाई जो भी गुनेगार है, जो भी इतना घटिया हरकत किया है ना, उसको ऐसा सजा दो ना कि एक एग्जांपल सेट करो, अगला अगर कोई ऐसा गलती करने का सोचता भी है ना, उसका एकदम रूह कांप जाए, ऐसा करने का उसका ख्याल भी ना है उसके माइंड में। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करता हूँ। ऐसे लवली बहुत सारा अपना डीएम वगैरह मुझे दिखाती है मैसेज, भाई मैं लवली के डीएम में ही देखता हूँ कुछ कुछ, मतलब इतने, मतलब क्या ही बताऊं मैं, अपना जो जुबान है ना उसको गंदा नहीं करना चाहता, मतलब मैं बता रहा हूँ इतने गंदे तरीके से कुछ कुछ लोग मैसेज करते हैं ना, उसके बॉडी पे, उसके बॉडी पार्ट्स पे। कभी कभी तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। और फिर भी इतने बेशरम है, बोलते हैं वाइट तूने कमेंट क्यों डिलीट कर दिया। ऐसा ऐसा भी लोगों को मैंने देखा है जो ऑनलाइन, मतलब मैं चाहूँ ना तो उनका फोटो लेकर, उनका आईडी लेकर मेंशन कर सकता हूँ, भाई उनका मतलब जीना हराम हो जाएगा, वो अपने इंस्टाग्राम खोलने से भी सोचेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ छोड़ो भाई, थोड़ा सा अक्कल आ जाए। कभी कभी मैं खुद भी मैसेज कर देता हूँ कि भाई सोचो अगर मैं इसको शेयर कर दूँ तो क्या होगा, तो और सॉरी भैया आई एम बिग फैन, मुझे आपका रिप्लाई चाहिए था इसलिए मैं ऐसा मैसेज कर रहा था, ऐसा ऐसा चीज भी सोचो चलते रहता है। तो खैर छोड़ो, अब क्या बताऊं मैं इसके बारे में, बस यही बोलेंगे कि जो भी ऐसा गलती किया है, कड़ा से कड़ा जितना भी सजा हो भाई मिले जो भी गुनहगार है इस चीज के लिए। फिलहाल अभी अपने मांडवी एक्सप्रेस के एपिसोड 2 को कंटिन्यू करते हैं, तो चलो एक ही बार मिलते हैं जहां से मैंने एपिसोड 1 को एंड करा था। तेरे प्यार का पैगाम लाई है, मुझको भिगोने आई है जो बारिश, वो साथ में तेरा नाम लाई है। मांडवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। इस गाड़ी से पधारे यात्रियों का यहाँ से हार्दिक स्वागत करते हैं। बारिश तो भाई साहब कंटिन्यू हुए जा रही है, रुकने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। और अभी हमारी ट्रेन पहुँची है वैभव वाड़ी रोड। Thank you.
शर्ट मेरा पूरे तरीके से भीग चुका है और ये ऐसा रूट है ना, कैमरा बंद ही नहीं हो सकता भाई, सच बता रहा है कैमरा नहीं बंद हो सकता। और ये वापस से मैंने यहाँ पे सूप ले लिया है, इसमें क्रीम वगैरह सब कुछ मिक्स किया है इन्होंने। अच्छा ये बैक टू बैक टनल आते जा रहा है और यहाँ पे मैंने खाना लिया है। मैं सोच रहा हूँ अब दिखाऊं अब दिखाऊं, लेकिन बार बार टनल आ रहा है। फ्लैश लाइट ऑन करके अब दिखाना होगा, कुछ कर नहीं सकते। वैसे टाइम देख लो अभी 12:58 हो रहा है, 1 बजने वाला है और ये आ चुका है अपना लंच। चलो जी ये सब कुछ मैंने ले लिया है, अब टनल खत्म होने का वेट करूंगा ना, खाना ठंडा हो जाएगा। काफी कुछ है, एक काम करते हैं सभी का ढक्कन हटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ देख लो खाने में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ ले लिया है, एक्चुअली मुझे दिखाना भी था ना आप लोगों को इसलिए। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन देख लो, ये कोई विलवड़े स्टेशन में रुकी हुई है और किसी ने हॉन्किंग भी किया ट्रेन के अंदर। और यहाँ देख लो मस्त बंदर वगैरह घूम रहा है। फिलहाल ये आ चुका है देख लो हमारा लंच, और ये सबका प्राइस मैं जब बिल आएगा ना तब बता दूंगा। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, चिकन लॉलीपॉप है, फ्राइड राइस है, ये बिरयानी है, कढ़ाई पनीर है, चिली चिकन है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, चपाती, तो ये सब कुछ मैंने लिया है। भैया बता रहे थे एक ही साथ बिल वो दे देंगे, मैं बोला चलो ठीक है। इसके अलावा भी वेज में बहुत सारा ऑप्शन था, लाइक बटर पनीर था और भी कुछ कुछ बता रहे थे वो। वेज बिरयानी, वेज पुलाव, वेज फ्राइड राइस, चिकन बिरयानी, मैं बोला ना वेज में भी बहुत ऑप्शन है, चिली पनीर का भी ऑप्शन था इनके पास। ये पापड़ भी हमारे खाने के साथ ही आया है, ये ऑर्डर नहीं किया हम लोगों ने। चलो जी अब ट्राई करते हैं लंच, मैंने ये फ्राइड राइस, लॉलीपॉप, चिली चिकन ले लिया है। सबसे पहले तो ये ट्राई करते हैं लॉलीपॉप। वाओ क्रंची है ना, पूरा आवाज आ रहा है यहाँ तक। एक तो फ्रेश चिकन, क्रिस्पी भी ऊपर से ही है। 10 में से 20 ले लो आप लोग। फ्राइड राइस और साथ में चिली चिकन का ग्रेवी, ये पता नहीं क्यों खाने से पहले ही अच्छा लग रहा है। याद है हम लोग अभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किए थे कल रात में डिनर में, उससे अच्छा है ये। सोच लो भाई ट्रेन में रेस्टोरेंट से भी अच्छा चिली चिकन और फ्राइड राइस मिल रहा है। सिर्फ लंच ही में ही सब कुछ अच्छा है, ब्रेकफास्ट का भी बहुत सारा ऑप्शन था, अच्छा था। और ये जो चिकन भी है ना बोनलेस चिकन है, मतलब जैसा चिली चिकन में होता है। वाह पैसा वसूल भाई। मांडवी एक्सप्रेस ही ऐसा एक ट्रेन है ना जिसमें मुझे जोमेटो या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन फूड ऐप खोलने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेन में इतना बढ़िया खाना मिलता है। लवली यहाँ पे ले चुकी है देख लो, चपाती, बिरयानी, पनीर और गुलाब जामुन। चपाती के साथ कढ़ाई पनीर ट्राई करते हैं। पनीर पूरा फ्रेश है और स्पाइसी देखने से लग रहा है लेकिन खाने में आपको उतना स्पाइसी नहीं लगेगा। तो चलिए अभी ये बिरयानी ट्राई करते हैं। बिरयानी भी बहुत अच्छा है, अरोमा बिरयानी का प्रॉपर आ रहा है। कोलकाता स्टाइल तो नहीं बोल सकते क्योंकि आलू नहीं है इसमें, हैदराबादी बिरयानी बोल सकते हैं। बढ़िया है, बिरयानी भी बहुत अच्छा है। अभी लवली ये गुलाब जामुन भी ट्राई की, बता रही है जस्ट बना कर दिया उन्होंने गर्मा गर्म। मन करे कि और दो खा ले, खा लो एक और है ही, खा लो। ऐसे इस ट्रेन के खाने की इतना तारीफ नहीं होती भाई, बहुत बढ़िया खाना है इस ट्रेन का। इस ट्रेन में अगर आप कभी जर्नी करो तो एक बार खाने के लिए स्पेशली करना, व्यू तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ही उसके साथ बट खाना तो और चार चांद लगाता है। ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी, बस एंटर कर ही रहे हैं। चलो जी टाइम से 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी में हमारे इस मांडवी एक्सप्रेस का ना 5 मिनट का हॉल्ट था, अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है वापस से और अभी दिखता है काफी बढ़िया नजारा, लेकिन देखते दिखा पाता है कि नहीं क्योंकि मेरे फोन में चला गया है पानी और फोन अभी चार्ज हो ही नहीं पा रहा और चार्ज भी कम है फोन में। लेट्स सी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और मौसम देख लो भाई साहब, काले बादल पूरे छाए हुए हैं लेकिन इतने देर बारिश से ना उब चुका था मैं, अभी ये अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का सा, मतलब थोड़ा मौसम गरम गरम हुआ है ना, कपड़ा वगैरह भी मेरा पूरा भीग चुका था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है।
हाँ जी, तो ऐसा कोई रात नहीं हुआ है अभी अभी टनल के अंदर है अपनी ट्रेन और मैक्सिमम सभी लोग सो गए हैं ट्रेन में, तो हम भी जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं। बाहर तो वैसे काफी कुछ है दिखाने के लिए बढ़िया, लेकिन कब तक गेट पे खड़े रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा देर हम भी रेस्ट करते हैं, फिर जब भी नींद खुलेगा वहीं से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है चिपलून, और ये आ चुका है देख लो मेरे हाथ में साबूदाना बड़ा। खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सत्या भाई ने रिकमेंड किया था इस रूट का, एक बार आप साबूदाना बड़ा ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। तो ये 35 रुपए का 2 मिला मुझे और फिर से टनल आ गया। तो चलो खाते हैं इसको, देख कर ही बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म है एकदम। अभी मस्त मैं लेटा हुआ था अपने सीट पे, हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है मनगांव रेलवे स्टेशन से। ये देख लो, यहाँ अपने ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन जब तक मैं आया तब तक ट्रेन निकल चुके थे, और यहाँ अपनी ट्रेन हाफ एन आवर डिले है। अभी हमारी ट्रेन निकली है मनगांव रेलवे स्टेशन से, नेक्स्ट इसके बाद शायद पनवेल है। और मैं बता दूं, जो हमारा खाना हम लोगों ने खाया था ना, उसका टोटल अराउंड 765 रुपए का बिल आया। हाँ, खाना महंगा है, लेकिन आप जो 1-1 रुपया दोगे ना, आपको वर्थ लगेगा। बात ये है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, ये एक चीज है। अभी हम लोगों ने चाय ले लिया है, चाय नहीं सॉरी कॉफी है ये, 10-10 रुपए करके। और वो पापड़ उस समय खत्म नहीं हुआ था, अभी कर रही है खत्म। और नजारे तो भाई साहब मेरा हाथ दुख जाएगा, बाहर कैमरा रखे रखे बंद नहीं कर सकता मैं, इतना खूबसूरत है ये। ये देखो, अब बताओ मैं कहाँ बंद करूँ कैमरा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वाह, जब कैमरा निकाल रहा हूँ कुछ ना कुछ दिख रहा है, फिर कैमरा कंटिन्यू ऑन ही रह रहा है मेरा। तो अपने ट्रेन को अभी हम लोगों ने डिबोर्ट कर दिया है पनवेल में, क्योंकि मुझे जाना है दादर, और यहाँ से कैब लेकर मैं दादर निकल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेन ना बहुत घूम कर जाएगी अभी। तो फटाफट हम निकलते हैं, कैब लेते हैं, 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे दादर यहाँ से। और पनवेल से दादर थोड़ा इजी पड़ता है, बाइक कैब थोड़ा महंगा पड़ता है कैब, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाओगे। और ट्रेन क्या है ना, थोड़ा घूम कर जाता है इसलिए टाइम लग जाता है। अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है दादर तक के लिए। पनवेल उतरने का एक फायदा और भी हो गया ना, कि देख लो हमें अटल सेतु से अभी हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, तो इसी बहाने ब्रिज को भी देख लेंगे। भाई साहब बना तो काफी खूबसूरत है,